स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। ये हमारा प्रश्न 2 नंबर में आता है बिहार बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है, सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, या तो 40 पूरक कोण, या तो एक और बोलते हैं लंब पूरक कोण। ठीक है, यहाँ पे हम 6 प्रश्न लिए हैं और ये 6 प्रश्न मतलब 6 ही प्रश्न एक ही तरह से सिद्ध होगा। अगर जो आप इसको इसमें से किसी एक को सिद्ध करना सीख गए तो ये 6 आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा है, सिद्ध करें कि sin 90° - θ = cos θ। आपको सिद्ध करके बताना है कि sin 90° - θ बराबर होता है cos θ। या तो आपको दूसरा पूछ देगा, यहाँ पे 6 है, 6 में से कोई एक प्रश्न देगा आपको सिद्ध करने के लिए, या तो आपसे पूछ देगा cos 90° - θ = sin θ, मतलब आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे प्रश्न को सही से पढ़ लीजिएगा और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे एक ले लिए हैं, सिद्ध करें कि sin 90° - θ = cos θ। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम नाम देते हैं ABC। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माना कि, मानेंगे भी इसमें, चलिए इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इतना चीज हो गया। सबसे पहले क्या करना है आपको, सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद क्या करना है, माना कि एक त्रिभुज बनाना है और माना कि इसमें से ये तीनों कोणों को, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण, ये तीनों कोणों का यहाँ पे नाम देना है। तो हम यहाँ पे दिए हैं ABC, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। जहाँ एंगल बी जो है वो 90° है, इसमें देखिए एंगल बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जो हमारा है ये 90° है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोणों का योग कितना होता है, 180° होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में एंगल बी बराबर कितना है, 90° है, और यहाँ पे लिखेंगे A+B+C = 180°। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180° होता है। अब यहाँ पे देखिए कि एंगल बी जो है वो 90° है, यानी कि यहाँ पे एक कोण ये हमारा 90° हो गया, तो दो अन्य कोण भी कितना होगा, 90° होगा, क्योंकि ये अकेले मिलकर कितना है, 90° है, तो ये दोनों को मिलाकर 90° होना चाहिए, तभी तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180° होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग देते हैं मान। तो यहाँ पे कोण सी को हम लोग देते हैं, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि कितना डिग्री है, तो कुछ नहीं पता है, इसके लिए हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब देखिए ये अकेले 90° है और ये दोनों को मिलाकर हमको 90° करना है, तो इसको अगर जो कोण सी को हम थीटा मान लिए हैं, तो कोण ए कितना हो जाएगा, तो कोण ए कितना हो जाएगा, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, मतलब थीटा को भी जोड़ना है इसमें, यानी कि कोण ए जो होगा हमारा यहाँ पे 90° में से थीटा को घटा देंगे तो कोण ए का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम देखिए कोण बी यहाँ पे क्या है, 90° है, यानी 90° है, तो कोण ए और कोण सी को मिलाकर हमको 90° लाना है, तो यहाँ पे हम कोण सी को क्या किए हैं, थीटा मान लिए हैं, तो 90 में से थीटा को घटा देंगे तब कोण ए का मान निकल जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे थीटा और एक को माने क्या, 90 - θ। ठीक है, अब चलिए आगे काम करते हैं। अब यहाँ पे आगे काम क्या करना है, सॉरी, अब यहाँ पे आगे काम क्या करना है, तो देखिए हमारा सारे कोणों का मान भी पता चल गया है। यहाँ पे देखिए कोण ए का यहाँ पे क्या करते हैं, इसी साइड रखते हैं, और कोण बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90° यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ए हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए बी का मान कितना दिया हुआ है, 90° हो, एंगल बी का मान कितना दिया हुआ है, 90°, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90°, और प्लस में यहाँ सी कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, 180°, यहाँ पे 180° रहने देते हैं। अब ये 90° को हम लोग उस साइड भेज देते हैं, यानी कि इस साइड हो जाएगा A+C = हो जाएगा यहाँ पे 180°, कितना हो जाएगा, 180°, और ये 90 है जो प्लस में इस साइड आएगा, तो माइनस में हो जाएगा 90°। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, A+C बराबर हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 90°,
ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सी का भी वैल्यू हमारा यहाँ पे कुछ पता चल गया है, क्या पता चल गया है तो थीटा है। सी का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लिए हैं तो थीटा लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है थीटा, तो थीटा हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये थीटा को उस साइड भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग ए का मान ज्ञात करेंगे, तो हम लोग को सिद्ध करना है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन में हम लोग को लेना है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या साइन, साइन थीटा ले लेंगे। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग देखो यहाँ पे ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 90 डिग्री, सॉरी हाँ यहाँ पे 90 डिग्री माइनस क्या है थीटा, 90 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे साइन 90 यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, क्या करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे साइन लगा लेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू। अब हम लोग जानते हैं देखिए थीटा की जगह पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पी बट्टा एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा थीटा के सामने 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने, मतलब थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे है कोण ए पर है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बी सी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर किसके लिए कोण ए के लिए, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। या तो आप यहाँ पे रख सकते थे सिर्फ साइन ए ही रख सकते थे, इसके सामने हो जाएगा क्या बी सी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी, क्या लिख सकते हैं बी सी, और बट्टा में हाइपोटेनस। अब इसके लिए हाइपोटेनस क्या होगा, तो ये तो हाइपोटेनस बदलता नहीं है, सिर्फ ये परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, तो ए सी हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ए और सी। तो हमारे यहाँ पे निकल गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी। अब इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो, ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे अब फिर पुनः लिखेंगे पुनः, अब हम लोग कॉस में चलेंगे, यहाँ पे कॉस और इसमें हम लोग लेंगे थीटा, कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा। अब देखिए थीटा यहाँ पे क्या है कोण सी पे है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि कोण सी के लिए अब परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, और बी सी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े बी बटा एच, क्या पढ़े बी बटा एच, तो बेस हमारा ये हो गया बी सी, बी सी हो गया बेस, तो ये हो जाएगा हमारा बी और सी, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा ए सी, और ये हमारा हो गया समीकरण दो, ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण दो। अब हम लोग जानते हैं, अगर जो आप पढ़े होंगे ट्रिगोमेट्री में सिद्ध करना, ये ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, एक पक्ष अगर जो बराबर होता है तो दूसरे पक्ष के ही बराबर हो जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अलग है और इक्वल टू इस क्या है बी सी बटा ए सी है, और देखिए समीकरण दो में भी क्या है बी सी बटा ए सी, तो ये दोनों साइड क्या हो गए, मतलब दोनों एक पक्ष हमारा क्या है बराबर है, तो ये दूसरे पक्ष के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण वन में वन साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, और समीकरण दो में भी राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसके लिए हमारा ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को यही सिद्ध करके लाना था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड, और ये हमारा 2 नंबर में रेडी हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप समीकरण एक और दो से, ठीक है ना, दो से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है सिद्ध करें कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा। तो इसमें ही बिल्कुल उसी तरह से करना है, सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम दे लेंगे और जो जो होता है वो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिभुज बनाए हैं और नाम दे लिए हैं, सबसे पहले सोल्यूशन लिखे हैं, उसके बाद माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो ये तो हम लोग को पता ही है, जहाँ एंगल बी एक बराबर 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, एंगल बी बराबर तो हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का वैल्यू कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कोण बी जो है ये 90 डिग्री है, उसी तरह से इसको भी कोण सी को भी हम लोग क्या मानेंगे थीटा मानेंगे, और इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह से काम करना है, ठीक है। अब सबका वैल्यू रख देना,
सबका वैल्यू रख देना सिर्फ ए को छोड़कर। तो ए को रहने देते हैं यहाँ पे, ए को रहने देते हैं, ए हो जाएगा प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना देखो 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है थीटा, तो थीटा। ए का भी वैल्यू आप रख सकते थे लेकिन हम यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं रख रहे हैं अभी, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ पे ए रहेगा इक्वल टू कर लेते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ पे 180 डिग्री रहेगा और ये माइनस हो जाएगा क्या 90 डिग्री, और माइनस हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बराबर यहाँ पे घटा लेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। अब ए के लिए हम लोग क्या यहाँ पे लाना है, हम लोग को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉस ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉस ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉस यहाँ पे ले लिया, और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। और इस साइड क्या है, अब देखिए इस साइड क्या है हमारा, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये ले लिए हम, यहाँ पे ए का ही वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉस में क्या पढ़े हैं, कॉस में पढ़े हैं बी बट्टा एस, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं बी बट्टा एस, तो थीटा की जगह पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, यानी कि ए की बात कर रहा है, कौन ए की बात कर रहा है तो बी बट्टा एस, तो इसके लिए बी कौन हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बी यही ना होगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बी बट्टा एस ना, तो ए बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, ए और बी, और एच निकालना चाहेंगे तो ए सी ही होगा, तो हो जाएगा हमारा ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, अब यहाँ पे चलते हैं सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे लिखेंगे क्या पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। अब यहाँ पे लेंगे हम लोग साइन थीटा, क्या लेंगे साइन थीटा, थीटा। अब यहाँ पे देखिए कौन सी की बात करेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एस, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। और एच, एच क्या हो जाएगा ए सी, वही रहेगा ए सी, और ये हो गया हमारा समीकरण दो, समझ गए। अब इसी तरह से हम लोग समीकरण एक और दो को देखेंगे, समीकरण एक और दो से कैसे, देखिए एक पक्ष बराबर तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। देखिए समीकरण एक में ए बी बटा ए सी है, समीकरण दो में भी क्या है ए बी बटा ए सी है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया, इसको आप लिख सकते हैं प्रूफ, ठीक है ना प्रूफ। इसी तरह से आगे भी करना है। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध करें कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, उसी तरह से आपको यहाँ पे सारा नामकरण कर लेना है। ये हम लोग इतना कर लिए हैं, तो सारा आपको समझा दिए हैं दो प्रश्न करके। अब इसको भी हम लोग क्या मानेंगे थीटा मान लेंगे, और इसको भी मान लेंगे 90 डिग्री और माइनस थीटा, और एंगल भी यहाँ पे कोण भी तो ये 90 डिग्री है ही क्योंकि ये समकोण है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे रख देना है, ए का वैल्यू निकाल लेना है, ए हो जाएगा प्लस यहाँ पे बी का वैल्यू, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 डिग्री हो जाएगा, और प्लस सी का वैल्यू थीटा दिया हुआ है तो थीटा हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है, ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री, और यहाँ पे माइनस में थीटा हो जाएगा। ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू इस तरह से भी निकल रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, निकाल लिए ना हम लोग। अब हम लोग को लेना है टैन, क्या लेना है टैन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब टैन में क्या हम लोग जानते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा, क्या होता है पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी, देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो पी इसके लिए क्या कौन होगा बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बट्टा पी बाई बी होता है, तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बेस हो जाएगा, ए बी बेस हो गया। अब ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब इसके लिए हम लोग फिर सेकेंड स्टेप में चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। अब यहाँ पे पुनः अब हम लोग लेंगे कॉट, क्या लेंगे कॉट, कॉट थीटा ले लिए, कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं बी, बी बाई पी, तो बी बाई पी, देखिए थीटा ये है तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी बेस हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी, और पी
पी कौन हो जाएगा, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि पी, तो ए बी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है ना। पढ़े होंगे आप लोग पिछले दो एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज कितना है 8.1, 8.2, 8.3 में भी पढ़े होंगे। तो ये हमारा हो गया समीकरण दो, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और दो से देखो, समीकरण वन और दो में देखो, समीकरण वन और दो में देखते हैं तो एक साइड बराबर, देखिए बी सी बाई ए बी है, इस साइड भी बी सी बाई ए बी है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं टेन, क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह से आगे भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार भी इसी तरह से होगा, पांच भी इसी तरह से होगा, और छह भी इसी तरह से होगा। आप लोग कर सकते हैं, अगर जो नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरीके से एक एक करके मतलब सीधे करें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसका अलग वीडियो बना दूंगा। सीधे करें कि कॉस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, इसका अलग वीडियो बना दूंगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, इसका अलग वीडियो बना दूंगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, इसका अलग वीडियो बना दूंगा। कॉमेंट कीजिएगा अगर जो नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं पूरा बताऊंगा तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब वीडियो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपको सॉल्व करना भी नहीं आएगा। अगर जो इतना समझ में आ गया है तो तीन प्रश्न और भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।